सत श्री अकाल जी सारे नूं। आज आपां अपने ब्लॉग दे विच बनाउण जा रहे हां हल्दी दी बर्फी, क्योंकि इत्थे विंटर है ते इना विंटर दी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिपी है, बिकॉज ये तुहानूं इम्यूनिटी दिंदी है जिहड़ी कि अजकल बहुत जरूरी है अजकल दे टाइम दे विच। एंड चलो आपां पूरी रेसिपी फॉलो करांगे ते नाल ही ट्राई करो कि लाइक अगर आप डेली एक पीस खा सकते हैं हल्दी की बर्फी का, बट ओनली इन विंटर लाइक सर्दियों के, क्योंकि थोड़ी गर्म होंगी है तो ट्राई करो ओनली सर्दियों के ही खाधी जाए। एंड आप एक पीस ले सकते हैं लाइक बर्फी की तरह, जिस नॉर्मल बर्फी का पीस होंगे एक पीस आप डेली खा सकते हैं। एंड ट्राई करो बच्चों ने भी थोड़ी दिती जाए, बट बच्चों आप लाइक तीजा हिस्सा या चौथा हिस्सा दे सकते हैं पीस का, क्योंकि बच्चों लिए ज़्यादा फिर नहीं ठीक रहेगी। एंड जो उसते बच्चे थोड़ा बहुत मतलब नहीं सही फील करते फिर तुम उस घट क्वानिटी दे सकते हो, बट लाइक इम्यूनिटी एंड लाइक सर्दियों के कोल्ड एंड फ्लू एंड होर भी बहुत सारे मतलब कि इस तरह जो नॉर्मल थोड़े मतलब उस बीमारियों लड़न की अपन ताकत दिंदी है, तो अपन अंदरों मतलब कि अपन अंदरों स्ट्रोंग बनाएगी। तो ट्राई करो, चलो आप बेनीफिट हो गए ने, हम आप ना स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं तुम्हें दिखा, मैंने ग्लव्स पाए हुए ने क्योंकि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट ने, मैं तुम देख ही सकते हो इन्होंने कलर, क्योंकि मैं जस्ट हजे वॉश की है इन्हों हल्दी में वॉश किया है। तो आप अज ना 500 ग्राम हल्दी का बनावे, तो आप बाकी तुम्हें सारा रेसिपी अगर आप क्लीयर कर देंगे। एंड तुम देख ही सकते हो आ वॉश की हुई है, तो इस चलो आप ही अगे फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी, तो आप सारे इनग्रीडियंट वगैरह सारा कुछ क्लीयर करा। हाँ जी, हम आप इनग्रीडियंट्स तैयार कर लेने, तो थोड़ा अपना क्वानटिटी दसागे। एंड चलो तुम आप अपना क्वानटिटी दस दें सारे इनग्रीडियंट्स की, आप कि क्वानटिटी लैनी है। एंड हल्दी है ये आप मतलब कि इनू समॉल पीसिस कट के ना चंगी तरह धो के क्लीन करके समॉल पीसिस कट के ना आप इनू मिक्स कर लिया चंगी तरह। एंड ट्राई करो कि बाहर ज़्यादा स्मूथ भी ना हो, बट स्मूथ भी हो, लाइक डिपेंड करता है कि तुम फिर कई बार ना बर्न होने का डर रहा है, इसलिए जिस तरह तुम देख ही सकते हो मैं इन्ना मतलब जिस तरह भी तुम हैंडल कर सकते हो डिपेंड करता है, नहीं तो थोड़ी जी मतलब कि ज़्यादा स्मूथ ना करो तो फिर वो बर्न घट होएगी। एंड ये अपने कोल ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर भी अपनी जी क्वानटिटी है 400 ग्राम, हल्दी सी 500 ग्राम, एंड आप ब्राउन शुगर ले 400 ग्राम। एंड सेम क्वानटिटी आप घी, एंड ये भी 400 ग्राम है। हाँ जी, ये भी 400 ग्राम लिया। एंड बेसन, बेसन अपने को सेम है, जिस तरह जिन्नी ग्राम हल्दी होएगी उन्नी ग्राम आप बेसन लवेंगे, यह है 500 ग्राम बेसन अपने को। बाकी आप 75 ग्राम लैनी है खसखस, पॉपी सीड्स कह दें आप। एंड बाकी ये आप गार्निश ले लिया, ये तुहाडे डिपेंड करता कि तुम लाइक की पाना चाहते हो, जोड़ा कुछ भी तुम उपर मतलब कि पाना चाहते हो कोई भी नट्स लगे पा सकते हो। एंड जिस तरह के काजू बादाम हो गए, तुम बादाम भी यूज कर सकते हो, काजू भी यूज कर सकते हो, या फिर जोड़ा भी तुम्हें ठीक लगे मतलब वो तुम उपर यूज कर सकते हो। ये जस्ट गार्निश ले है, पर ट्राई करो कि ज़्यादा ना नट्स वगैरह ज़्यादा ना पाए जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्म होंगी है। एंड इसलिए ट्राई करो कि थोड़े बहुते आप यूज कर सकते हैं जस्ट गार्निश वास्ते। एंड बिच ट्राई करो कि ना ही मिक्स किए जाए तो चंगा हो। हाँ जी, इनग्रीडियंट नाल एक कप लवेंगे काली मिर्च एंड ब्लैक पेपर। एंड ये तुम्हें लैनी है मतलब कि जिस तरह अद्धा क चमच बहुत होएगा, ये जस्ट आप इस करके मिक्स करते हैं क्योंकि ये ना थोड़ी जी मतलब कि जिस तरह टर्मरिक है अपन ऑब्जर्व बहुत वधिया होंगी है, जो तुम लाइक काली मिर्च पा दोगे ये तो ये बहुत बॉडी के बहुत वधिया ऑब्जर्व होंगी है एंड हैल्दी भी है, तो जिस तरह मतलब कि तुम्हें पता है हैल्दी भी है। आप थोड़े सामने हाँ जी एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देने अपन मतलब कि इनग्रीडियंट अपने लेने, इसलिए 500 ग्राम आप हल्दी एंड 500 ग्राम बेसन है, 400 ग्राम घी है, एंड 400 ग्राम ही आप शुगर लिए ब्राउन शुगर,
एंड 75 ग्राम आपां पॉपी सीड्स लेने खसखस एंड ये थोड़ा डिपेंड कर देना है कि जो तुम गार्डनिंग के लिए जो भी लेने वो तुम अपने अकॉर्डिंग घट या वध यूज कर सकते हो, मतलब कि इतना ज्यादा नहीं मैटर करता, थोड़ा डिपेंड करता है। एंड आप अद्धा चम्मच लीए काली मिर्च, मतलब कि आप अद्धा चम्मच लीए, तुम मतलब थोड़ी क्वांटिटी वध या घट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। चलो हम आप ना हाँ जी स्टार्ट करा, फर्स्ट ना अपन हल्दी भुनन रेडी हो रहे हैं, ये ना बिच थोड़ा जहा मतलब कि घी लै लिया एंड थोड़ा जहा अपन थोड़ा जहा गर्म कर हल्का जहा मतलब कि जिस तरह वो घी थोड़ा जहा हल्का गर्म कर लेंगे, कोसा जहा कर लेंगे, तो आप ना हल्दी पा के आप चेक कर लेंगे कि इनफ है, जस्ट थोड़ा थोड़ा मिक्स ठीक हो जाए हल्दी के बिच, ट्राई करो कि हल्दी ना लो हीट के उत्ते भुनो तुसी फर्स्ट, क्योंकि लो हीट के उत्ते बर्न नहीं होएगी। एंड तुसी थोड़ा जिहा मतलब कि अपने अकॉर्डिंग थोड़ा वध घट पा सकते हो स्टार्टिंग दे विच जे तुहानू थोड़ा मतलब कि लग रही है, एंड बट ट्राई करो कि लो हीट के उत्ते रखो एंड इन्हां ने लाइक मतलब चंगी तरह भी भुनी जाएगी एंड बर्न भी नहीं होएगी। हाँ जी अपनी हल्दी बिल्कुल भुनने वाली है, बिल्कुल रेडी है एंड थोड़ा टाइम लाइक एक दो मिनट होल लगे तो तुम देख ही सकते हो, पर जिस तरह थोड़ा जो लाइक तुम घ्यो दिखने लग जाए उपर थोड़ा जहा मतलब कि जिस तरह अपना आप वैसे ही कोई वैसे पर कोई चीज़ रेडी कर देता अपन होंगे थोड़ा तड़का तड़के तरह मतलब कि थोड़ा जिस तरह घ्यो तुम दिखने लग जाए थोड़ा जहा मतलब कि घ्यो सड़ जाए उस तरह रेडी हो जाती है एंड अपनी वैसे बिल्कुल रेडी होने वाली है। एंड तुसी मैं तुम्हें थोड़ा दिखानी हाँ चंगा सॉरी, हाँ जी देखो मेरी हल्दी रेडी हो गई पुत्रा एंड ये अपनी वधिया हम आप इन एक साइड तो रख देंगे थोड़ी ठंडी होने लई एंड हूँ आप तैयार करांगे बेसन एंड बेसन तैयार करके उस तो बाद आप फिर मिक्स करांगे दे विच, फिर हूँ आप बेसन तैयार कर तो वे आप थोड़े जी हाँ जी पहले कढ़ाई थोड़ा जहा गर्म कर लें, फिर वो आप जोड़ा भी अपने को बचा सगा घ्यो वो आप सारा ये पा के ना फिर बेसन आप भुना बेसन रेडी करा, थोड़ा गर्म हो ना फिर वो वधिया मतलब कि मिक्स हो जाता है। हम आप सारा पा के कि जिन्ना भी अपना बचा सगा मतलब आप उन्ना का पाना जिन्ना का अपन लगे कि ठीक है वो मिक्स हो गई है, थोड़े मतलब कि आप जिस तरह भी अपन लगे कि ठीक है अपन हम मतलब कि बर्न नहीं होएगी उन्नी थोड़ा बिच आप लै सकते हैं, बाकी सारा फिर आप बेसन भी यूज करेंगे, थोड़ा जहा आप हल्का जहा गर्म कर लें ताकि मिक्स हो जाए थोड़ा जहा, बेसन भी आप बहुत घट आंच से भुना एंड इन्हें फिर बर्न भी नहीं होएगा एंड जो टेस्ट भी बहुत वधिया रहेगा लाइक एंड वधिया बनेगा मतलब कि फ्राई विच बेसन मिक्स करके सारा इन चंगी तरह अपने मिक्स कर लेना है, ये नॉर्मल आटे तो ना भुनना मतलब कि जो बेसन होंगे ये घट टाइम लगता नॉर्मल आटे ना जिस तरह आप लाइक वीट फ्लावर करते हैं ना कणक का आटा करते हैं उधर ना घट टाइम लेगा, बस अपने बेसन भुन लेना मिक्स करके चंगी तरह। आप हाँ जी नाल ही हम आप चाशनी रख जा रहे हैं, चाशनी रख दी है एंड चाशनी में ना तुम मतलब जिनी भी शुगर है उन्ना कि वॉटर मिक्स करना बाला ज़्यादा नहीं करना, फिर वो ना मतलब जो ज़्यादा करोगे फिर वो मतलब कि ठीक नहीं बनेगी, तो अपने जस्ट उन्ना कि वॉटर मिक्स करना है जिन्हें को अपने को शुगर है शुगर के बस चंगी तरह मिक्स हो जाए वो वॉटर एंड अपने एक तार की चाशनी तैयार करनी है, ये नाल ही हम अपना इधर बेसन रेडी हो रहा है, बेसन रेडी होएगा क्योंकि अपन फिर नाल ही अपने चाशनी रेडी करना है, बेसन रेडी हो जाए तुम देख रहे हो बेसन मिक्स हो गया अपना वधिया रेडी हो रहा होना, ये मैं टाइम लगेगा थोड़ा जहा जी बट घट आंच से तुम रखना एंड इधर तुम चाशनी फिर स्टार्ट कर देनी नाल ही, बस जो थोड़ी चाशनी एक तार की बन लग जाएगी तो आप उदो ही फिर वो मिक्स कर देंगे बाद च एंड चलो अपना ही नाल अपनी चाशनी रेडी हो रही है, बस थोड़ा टाइम इतने वेट कर दी
एंड चाशनी का और आप एक बार मतलब तेज आंच से रखा तो फिर उन्हें उबालना स्टार्ट करता फिर अपने लो आंच से कर देंगे थोड़ा जहा अपना। हाँ जी हम चा बना बाने की है ना ये बेसन भुनिया जा रहे हैं एंड नाल ही नाल ना पर चाशनी है चाशनी के उपर जी चाशनी बन रही है उपर ना थोड़ा जहाँ भी नैल होगी नाल दाल आप कट देंगे क्योंकि ना फिर वह कलर काफ़ी वधिया आएगा आप जिन्ना भी अपना है वह कट देंगे अपना जो भी उपर अपनी थोड़ी बहुत मैल आती है ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि थोड़ी बहुत एक दो बार तुम कट दोगे तो वो ठीक हो जाएगा मतलब कि फिर थोड़ा वह कलर भी ठीक रहेगा एंड हाँ देखने भी मतलब वो थोड़ी बर्फी बहुत वजी बनेगी अपना बेसन भुन रहे हैं ट्राई करो कि बेसन ना बर नीचे ना लगे बिल्कुल ये सब देख ही सकते हो हौली हौली ना ये थोड़ा जहा ईजी हो रहा है ना एंड थोड़ा ऑयल उपर आप देख सकते हैं हल्का हल्का एंड बस ये बर्न नहीं होना चाहिए अपना इन्ना जरूर ध्यान रखना चाहिए बाकी चाशनी का अपना ध्यान रखना पड़ेगा ताकि चाशनी अपनी ज्यादा ओवर ना हो जस्ट अपने एक तार की चाशनी बनानी है तो फिर वो मतलब कि बर्फी थोड़ी बहुत सॉफ्ट रहेगी जो तुम एक तार की चाशनी खाओगे ना फिर वो ज्यादा हार्ड नहीं बनेगी। काफ़ी लोहे बना रही हूँ फिर लोहे के उपर ना फिर ये मतलब कि बर्न भी नहीं होएगा तो ये टेस्ट भी बहुत वधिया रहेगा पर टाइम जरूर ज़्यादा लगता है बट टेस्ट बहुत वधिया रहता है बर्न नहीं होता बिल्कुल ही हम अपना बेसन नियरली बहुत वधिया भुन गया फिर देख सकते हो आप ऑयल उपर देख सकते घी भी उपर देख रहे अपन एंड बहुत वधिया हमने वो हो गए हम आप हल्दी मिक्स करा तो स्मैल भी आ रही है स्मैल तो भी अपन पता लग जाता कि हम मतलब कि रेडी है एंड चलो हम आप हल्दी मिक्स करा घट आंच के उपर हल्दी मिक्स करा हल्दी तुम बहुत चंगी तरह मिक्स कर दी है सारी हल्दी बस इन सारे चंगी तरह मिक्स कर दो बहुत चंगी तरह मिक्स कर दो एंड बट नाल ही ध्यान रखो कि नीचे ऑन है घट आंच से अपना बर्न भी ना हो ध्यान रखना एंड हम इन चंगी तरह मिक्स करना अपन बहुत चंगी तरह एंड इस स्टेज पर अपन ये खसखस भी पा देंगे अपन जी खसखस अपनी 75 ग्राम जिन्नी भी सी अपनी 75 ग्राम सारे अपन बिच पा देंगे एंड खसखस भी मिक्स करनी है इस स्टेज के उत्ते तो ऐसे स्टेज के उत्ते अपन ने ये आ भी पा देने काली मिर्च भी पा देनी तुम सारी बाकी आप गार्निश लास्ट एंड से करा पूरा अपन मिक्स करके सारा बना के उस तो बाद फिर आप ट्राई करो कि बहुत चंगी तरह मिक्स हो जाए ता के बाद आप ये फिर थोड़ा ठंडा करके ये ना ही मैं चाशनी मिक्स कर दी फिर बहुत परफेक्टली है ना मिक्स कर लो सारी नो एंड सारा अगर मिक्स करके सारे फ्लेवर सारा मिक्स हो जाए ये चंगी तरह मिक्स कर देना ना सारा जो तो परफेक्टली मिक्स हो गया ना तो फिर आप बंद करके भी थोड़ा टाइम चंगी तरह सैट कर देंगे उस तो बाद फिर इन आप थोड़ा टाइम देवे तो कि फिर भी चाशनी मिक्स कर सकी बहुत चंगी तरह सारा मिक्स हो गया अपना वधिया मिक्स हो गया इस तो बाद आप चाशनी मिक्स करा वो आप एक मिनट लिए वेट करा बस आपके एंड फिर आप नीचे ऑलरेडी बंद कर चुके हैं एंड हम आप चाशनी बहुत चंगी तरह मिक्स कर देंगे सारी चाशनी तुम ये चंगी तरह मिक्स कर दो फिर आप दिखाने अपनी रेडी हो जाएगी
ਚਾਸ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਧੀਆ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਨੂੰ दिखा दें लाइक किस तरह ने तुम देख सकते हो इस तरह सॉफ्ट है पूरी एंड हजे गर्म है चाशनी जो जो चाशनी थोड़ी सैटल होगी फिर इन्हें जमना स्टार्ट कर फिर जम जाएगी लाइक हूँ आप हाँ जी एक बार इन सैटल होने रख दिता तो ये उपर अपने जो भी आप गार्निश लिए यूज करते वह भी पा दिता एंड तुम देख ही सकते हो बाकी मैं तुम थोड़ा नेड़े तो भी दिखाई हाँ बहुत वधिया बनी है अपनी बहुत ही मतलब सॉफ्ट टिक्किया बन गई है वधिया एंड आप हम मतलब कि जिस तरह चाशनी है तो यह थोड़ा टाइम ही लेगी कोई ज़्यादा नहीं मतलब थोड़े आवर्स लिए आप रख देंगे ताकि बाद टिक्कियों रेडी हो सके लगे आप कट सकी एंड तुम देख ही सकते हो बहुत वधिया बनी है एंड बहुत वधिया सैटल होगी ये मैं मतलब कि जिस तरह ये आप बच्चों लाइक अपने लिए थोड़ी वड्डियां टिक्कियां लाइक करते हैं तो आप बच्चों लिए थोड़ा घट पेस रख सकते हैं ये मैं मतलब कि बेबी लिए जिस तरह साडा टू एंड नीयरली टू एंड हाफ ईयर ओल्ड बेबी है एंड उस तो भी मतलब घट ही एक दो मंथ एंड उहदे लिए फिर आप थोड़े समॉल टिक्कियां भी रख सकते हैं कट सकते हैं ये मैं उहदे लिए रखे अलग ताकि आप बच्चों को फिर आप ना हो जिस तरह आपको फिर टिक्की के विचों कट के देना पे बच्चे उस नाल चंगा है कि आप पहले ही बच्चे आप टिक्के उसने रेडी कर लिए बच्चों ताकि अपने बच्चे बर्फी का पीस देना ईजी हो जाए बच्चे आप एक समॉल टिक्की दी तो बच्चे तो बच्चे सौखा हो जाता फिर बच्चों भी खाना एंड बाकी जिस तरह आप दूजिया रखी ने अपने लिए रखी ने वो थोड़े व्डे पीस रखे ने बट जो आप कट्टा तो अकॉर्डिंग लाइक जिन्ना आप डेली आप खाना चाहते हैं क्योंकि गर्म होंगी है तो तुम फिर वो अकॉर्डिंग अपने जिस तरह भी थोड़ा ठीक लगता वो कर सकते हो एंड कोई गल नहीं फिर तुम्हें पीस कट्टे हुए भी दिखावे रेडी किए हुए भी दिखावे बट वो अपने थोड़े जो आवर्स वेट करनी पेगी कुकिंग का ब्लॉग सीगा एंड असी फ्यूचर दे विच होर भी मतलब कुकिंग नाल दे आइटम्स वगैरह लैके आवांगे क्योंकि आप ट्राई करांगे तो वध तो वध अपना एक्सपीरियंस थोड़े नाल शेयर कर सकी एंड प्लीज़ एंड अपने कमेंट्स पक्का लिख के भेजदा कि सानू आइडिया आ सके कि लाइक तुहानू साडी रैसिपी किस तरह लग रही ने एंड तुसी इहनू किन्ना इंजॉय कर रहे हो एंड
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਈਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਚਲੋ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।